हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप शो के भी देखिए। आज बहुत लोग यूनिवर्सिटी में गए थे, हम भी यूनिवर्सिटी में गए हुए थे, बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर में जो है उसका बीएड सेकेंडरी के एग्ज़ाम के मतलब जल्दी करवा ले, रिजल्ट जल्दी मतलब पब्लिश कर दे कि सातवां चरण में जो भी लोग हैं जिनको भी जहाँ एडमिशन करवाना है एमएड जो भी चीज़ है तो वहाँ से पॉजिटिव वार्ता हुआ है, मतलब सकारात्मक वार्ता हुआ बोला गया है कि आपका आज या कल तक आप लोग का रूटीन जारी कर दिया जाएगा, समझे। तो इसीलिए आप लोग जो भी लोग गए थे उनको बहुत बहुत धन्यवाद, समझे। हम भी सहरसा से आए हुए थे तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये चीज़ हुआ क्योंकि आज संख्या ज़्यादा था, समझे। पहले चार लोग तीन लोग जाते थे सो कह के हो जाता था, लेकिन आज संख्या ज़्यादा था। क्या क्या चीज़ हुआ है, बहुत लोग गए हुए थे आज, समझे। देखिए पहले अपना अथी क्या दिए हुए थे कि जो है पढ़ देते हैं फिर बताते हैं कि कब से एग्ज़ाम होगा वो भी बताएंगे। लिखा है सेवा में कुलपति महोदय बीआर एबीयू मुजफ्फरपुर, विषय हो गया सातवां चरण शिक्षक नियोजन बहाली को देखते हुए बीएड 2022 का स्पेशल एग्जाम करवाने के संबंध में। देखिए लिखा है सविनय निवेदन है कि हम लोग बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के बीएड 2022 के छात्राध्यापक है। बिहार शिक्षा विभाग के आदेशानुसार सातवां चरण शिक्षक बहाली होने वाली है। हम लोग सीटेट उत्तीर्ण है लेकिन बीएड सेकेंड ईयर परीक्षा नहीं लिए जाने के कारण हम लोग सातवां चरण शिक्षक बहाली से वंचित रह जाएंगे। यदि हम लोग का सातवां चरण भाग नहीं ले पाते तो कई वर्षों तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। तब महोदय से निवेदन है कि वे सभी बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के अध्ययन फाइनल ईयर छात्राध्यापक का 2022 का स्पेशल एग्जाम करवा कर जल्द से जल्द रिजल्ट प्रकाशित करने की कृपया करें ताकि हम लोग सातवें चरण शिक्षक नियोजन में भाग ले सकें। इसके लिए बीएड 2022 के सभी छात्राध्यापक जीवन भर आपके आभारी रहेंगे, समझे। ये लोग गए थे और लोग साइन किए हैं, समझे। और इसमें और भी लोग गए थे, नीरज जी का सबसे बड़ा धन्यवाद, समझे, आदित्य जी, जो भी लोग हैं वो लोग का, ब्रजमोहन जी का, और भी लोग का तो हम नाम जानते नहीं हैं। जो लोग गए थे उनको तहे दिल से दीवान कि आप लोग 6000 के समथिंग में आप स्टूडेंट हैं, समझे। तो सभी के लिए आप लोग यूनिवर्सिटी में जाकर कोई पश्चिमी चंपारण से, कोई पूर्वी चंपारण से, कोई सीतामढ़ी से और भी जगह वैशाली से लोग गए हुए थे एग्ज़ाम करवाने के लिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का कि आपका आज शाम में या कल आप लोग का रूटीन जारी कर दिया जाएगा, समझे। ये हो गया, हम भी सहरसा से आए हुए थे। अब देखिए एक और चीज़ आपको बताते हैं कि बात हुआ है, अच्छा बात हुआ है कि आप लोग का एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, समझे। अब देखिए आपका एक दो दिन में रूटीन भी जारी हो जाएगा तो इसीलिए आप लोग परीक्षा की तैयारी पर भी ध्यान दीजिए। वो तो हो गया एग्ज़ाम का, तो एग्ज़ाम का लिए तैयारी अभी भी क्वेश्चन भी करवा दिए हैं, कुछ क्वेश्चन का आंसर नहीं उसको जल्दी अपलोड कर देंगे, समझे। तो आप लोग एकदम परीक्षा की तैयारी में एकदम लग जाइए कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप लोग का तैयारी पूर्ण रूप से, क्योंकि जो आपका ज़्यादा तो इसमें पढ़ना नहीं है, 5 पेपर का एग्ज़ाम होगा जिसमें 2 पेपर 80 का है, 3 पेपर आपका 40, तो ज़्यादा इसमें तो पढ़ना नहीं है, लेकिन फिर भी आप नोट्स बना कर रखिए। लेकिन आपका जल्दी ही एग्ज़ाम हो जाएगा, हाँ एग्ज़ाम का डेट पड़ेगा तो जल्दी ही आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, तो इसके लिए आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, जल्दी ही एग्ज़ाम आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा। तो जो भी लोग गए थे तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि उन लोग का तो एग्ज़ाम का डेट आपका एक दो दिन में जारी हो जाएगा, समझे। तो इस चीज़ बहुत अच्छा हुआ, पॉजिटिव वार्ता हुआ है, समझे। तो थैंक यू।